वेलकम टू अनदर वीडियो। माशाल्लाह से जी आज बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि आज मैं जो है आपके साथ अपने लव बर्ड्स की जो है वो ब्रीडिंग प्रोग्रेस जो है वो शेयर करूंगा। माशाल्लाह से जी लेइंग आना स्टार्ट हो गई है। पहला अंडा जो है वो माशाल्लाह से लव बर्ड के पेयर ने दे दिया है, वो सारा आपको दिखाऊंगा। बॉक्सेस लग चुके हैं, मैंने 15 अक्टूबर को जो है वो बॉक्सेस लगाए थे और आज 30 तारीख है तो 15 दिन हो गए हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें, मैंने बैक साइड पे जो है वो इस दफ़ा बॉक्स लगाए हैं तो मैं आपको बैक साइड पे भी जाके सारा दिखाता हूँ। माशाल्लाह से जो है वो नेस्टिंग जो है वो काफ़ी तकरीबन सारे पेयर्स ने मुकम्मल कर ली हुई है और अब जो है वो जो लेइंग है वो आना शुरू हो गया है। माशाल्लाह से जो है वो पहला अंडा आ चुका है जो मैं आपको दिखाऊंगा भी, और दो तीन जो है वो नेस्ट बॉक्स जो है वो खोल के भी दिखाऊंगा आपको। तो माशाल्लाह से जी ये जिसने भी बर्ड्स रखे हुए हैं उसके लिए बड़ा जो है वो खुशी का एक मुकाम होता है कि जब उसके पास जो है वो बर्ड्स ब्रीड करना शुरू कर देते हैं, उसे उसके लिए एक खुशी, एक अलग ही खुशी होती है जब उसके पेयर जो है वो एग लेइंग करते हैं। तो माशाल्लाह से जी ये जो है वो सामने एक पेयर आपको नज़र आ रहा है, इसने जो है वो ये वाला पेयर इसने जो है वो अंडा दिया है आज पहला। तो माशाल्लाह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बॉक्स खोल के देखा था तो उसके अंदर जो है वो अंडा एक माशाल्लाह पड़ा हुआ था। बाकी अभी किसी पेयर ने एगलिंग नहीं शुरू की, लेकिन जो है वो नेस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट 95% जो है वो नेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। माशाल्लाह से 15 दिन अभी हुए हैं तो लेइंग आनी शुरू हो गई है 15 दिन के अंदर अंदर ही। तो जिस भाई ने भी जो है वो बर्ड्स रखे होते हैं तो जब उनके पास बर्ड ब्रीड करते हैं तो उसके लिए जो है वो एक अलग ही खुशी का एक समा होता है। तो माशाल्लाह से जो है वो आपने भी जो है वो जिस भाई ने भी बर्ड्स रखे हुए हैं थोड़ा सा आपने सब्र दिखाना है, सब्र से काम लेना है, बर्ड्स आपके पास ब्रीड करेंगे। माशाल्लाह से मैं भी 15 दिन हो गए थे तो मैं खुद सोच रहा था कि अभी तक बर्ड्स जो है वो लेइंग नहीं कर रहे। तो माशाल्लाह से आज पहला अंडा आ गया है तो एक और दो जो है वो सारे तकरीबन पेयर जो है वो क्रॉसिंग होना शुरू हो गए हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता से। तो आपने इसमें लवबर्ड के काम में जो है वो आपने सब्र से काम लेना है, आपने कभी भी जल्दी नहीं करनी। बर्ड्स आपके ब्रीड करेंगे अगर आप उनका ख्याल रख रहे हैं, बर्ड हर सूरत में आपका ब्रीड करेगा, ये नहीं कि बर्ड आपका ब्रीड नहीं करेगा। तो आपने बस थोड़ा सा सब्र दिखाना है, बर्ड आपका 100% ब्रीड करेगा। मैं भी देखें 15 दिन हो गए थे, किसी पेयर ने अभी तक लेइंग नहीं थी की, तो माशाल्लाह से आज जो है वो मैंने देखा है बॉक्स एक, ये जो सामने आपको पेयर नज़र आ रहा है इस पेयर ने जो है वो लेइंग कर दी आज, पहला अंडा जो है वो उसने दे दिया है। आपको मैं फीमेल की वेंट भी दिखाता हूँ तो वो देखें, फीमेल की जो है वो वेंट भी जो है वो फूली हुई है माशाल्लाह से। अभी ये कल एक और अंडा दे देगी या हो सकता है आज रात को ही दे दे। तो माशाल्लाह नेस्टिंग जो है वो ऑलमोस्ट सभी पेयर्स ने जो है वो कंप्लीट कर ली हुई है, अब लेइंग की बारी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला एक दो दिन के अंदर अंदर मज़ीद जो है वो पेयर्स जो है वो लेइंग करना शुरू कर देंगे। तो मैं आपको जो है वो एक दो बॉक्सेस जो है वो खोल के भी दिखाता हूँ। ये इधर माशाल्लाह से राका पेयर है, इसको जो है वो दिसंबर में बॉक्स दूंगा क्योंकि इनका जो ब्रीडिंग सीजन है वो दिसंबर में शुरू होता है। ये इधर मैंने इस बैक साइड पे बॉक्सेस लगाए हुए हैं, ये जैसे कि आपको मैं एक ये बॉक्स खोल के दिखाता हूँ। अभी किसी जो है वो एक ही पेयर ने लेइंग शुरू की है, वो भी वही सिर्फ दिखाऊंगा। ये देखें नेस्टिंग तकरीबन जो है वो ऑलमोस्ट 95%, कुछ पेयर्स ने तो बिल्कुल 100% कंप्लीट कर ली हुई है और कुछ पेयर्स ने जो है वो 95% जो है वो कंप्लीट कर ली हुई है। एक मैं आपको ये भी बॉक्स खोल के दिखाता हूँ, ये देखें इसमें जो है वो स्प्लिट पेल फेलो का पेयर है, ये देखें माशाल्लाह से इसने जो है वो इधर नेस्टिंग किया है। अब देखें ये चेक करें, इधर इसने वो बनाया हुआ है अपना घोंसला, इधर ये एगलिंग करेगी। और इसके अलावा जो है एक और बॉक्स आपको खोल के दिखाता हूँ, इधर ये देखें ये वाला बॉक्स खोल के दिखाता हूँ आपको, ये देखें जी माशाल्लाह ये नेस्टिंग जो है वो सारी कंप्लीट हो चुकी हुई है पेयर्स की। तो अभी लेइंग भी इंशाल्लाह दो तीन दिन में मज़ीद सारे पेयर्स जो हैं वो लेइंग करना शुरू कर देंगे। ये इस पेयर ने जो है वो माशाल्लाह से ये वाला, इसमें पेयर भी मैं आपको बता दूं, इसमें स्प्लिट टू स्प्लिट का पेयर लगा हुआ है माशाल्लाह, ये मेरा लास्ट ईयर का ब्रीडर पेयर है। इसमें जो है वो पारब्लू स्प्लिट इनो की फीमेल है और अल्बाइनो स्प्लिट इनो का मेल है। माशाल्लाह से पिछले साल इसने माशाल्लाह रेड आई बच्चे निकाले थे, क्रीमिनो भी दिए थे और अल्बाइनो रेड आई भी दिए थे। और ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। ये देखें पहला अंडा माशाल्लाह से आ चुका है स्प्लिट टू स्प्लिट पेयर का। तो अल्लाह ताला से दुआ करूँगा, आप भी दुआ कीजिएगा
कि रेड आई बच्चा निकले इसमें से, चाहे वो क्रीमिनो निकले चाहे वो अल्बाइनो रेड आई निकले। तो उम्मीद तो पूरी है कि इंशाल्लाह ताला इस साल भी ये जो है वो अच्छी मकदार में मुझे अल्बाइनोज या क्रीमिनोज देगा। तो देखें किसी भी जो है वो लव बर्ड रखने वाले के लिए, होबियर के लिए, ये बहुत ही खुशी का जो है वो टाइम होता है जब उसके पास जो बर्ड्स जो हैं वो ब्रीड करते हैं। तो ये पहला अंडा आज आ चुका था, तो मैंने सोचा कि आप भाइयों के साथ भी जो है वो वीडियो बना के शेयर करूं। तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। माशाल्लाह से ये आपके सामने मैं आपको पेयर्स दिखा रहा हूँ जो मेरे पास लगे हुए हैं। सब पेयर्स ने नेस्टिंग कम्प्लीट कर ली हुई है माशाल्लाह। 15 दिनों में, अभी 15 अक्टूबर को मैंने बॉक्सेस लगाए थे, आज 30 अक्टूबर है, तो कल 31 अक्टूबर वाले दिन ये वीडियो अपलोड होगी। तो ये देख लें माशाल्लाह आपके सामने। आपने जल्द कभी भी जो है वो जल्दबाजी नहीं करनी, आपने बॉक्सेस दे दिए हैं, आपने थोड़ा सा सब्र से काम लेना है, आपके पास ब्रीड जो है वो 100% आएगी। आपके पास ये नहीं होगा कि बर्ड्स आपके पास ब्रीड नहीं करेंगे, आपने उनको छेड़ना नहीं है, रूटीन उनकी चलने देनी है। दे देख लें माशाल्लाह से पहला जो है वो अंडा आ गया है आपके पास। जो जब आपने उनको सारा साल उन पे मेहनत की है ना, तो आपने बस इधर बॉक्स लगाने के बाद थोड़ा सा सब्र से काम लेना है। कुछ भाई क्या करते हैं, बॉक्स लगाने के एक हफ्ते के बाद ही कहना पूछना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पे एड्स लगा रहे होते हैं कि हमने एक हफ्ता हो गया बॉक्स में नहीं जा रहे, बर्ड्स नेस्टिंग नहीं कर रहे, या 10 दिन हो गए हैं लेइंग नहीं आ रही। तो भाई जान तकरीबन बॉक्स लगाने के 15-20 दिन के अंदर अंदर जो है वो लेइंग आना शुरू हो जाती है। देख लें आज 15 दिन मुकम्मल हुए हैं और पहला अंडा आ गया। उन्होंने नेस्टिंग भी की है, उसके अलावा जो है वो एग लेइंग अब शुरू की है। देख लीजिए 15 दिन के बाद ठीक आज जो है वो पहला अंडा आ गया। तो ये देख लीजिए आप, मैंने बॉक्स लगाए थे जब, तो मैंने 15 अक्टूबर को बॉक्स लगाए थे, 3 दिन जो है वो मैंने इनके अंदर जो है वो केजीज के अंदर नेस्टिंग इनको नहीं थी दी। मैं क्या करता हूँ, पहले बॉक्स लगाता हूँ और जब वो बॉक्स को 2-3 दिन जो है वो बर्ड्स ऑब्जर्व करते हैं, बॉक्स के अंदर आते जाते हैं, तो उसके बाद मैं इनको नेस्टिंग देता हूँ। कम अज़ कम 3 दिन का उनको मैं टाइम देता हूँ ताकि वो बॉक्स को अच्छी तरह चेक कर लें, वो ये ऑब्जर्व कर लें कि ये जगह उनके लिए ब्रीडिंग के लिए सेव है कि नहीं है। तो इससे बहुत ही जो है वो फ़ायदा होता है नेस्टिंग बाद में देने का। कुछ भाई क्या करते हैं कि बॉक्स लगाने के साथ ही अंदर केज में नेस्टिंग फेंक देते हैं, वो बॉक्स लगाते साथ ही नेस्टिंग तो नहीं लेके जाएंगे और फिर वो परेशान होकर कहना शुरू कर देते हैं यार हमने नेस्टिंग फेंकी है, वो नेस्टिंग नहीं लेके जा रहे। भाई वो पहले बॉक्स को ऑब्जर्व करेंगे, वो जगह अपनी देखेंगे कि जगह सेव है कि नहीं है, तो उसके बाद वो उधर कुछ ब्रीड की तरफ आएंगे ना। तो इससे अच्छा है कि आप पहले वो नेस्टिंग फेंकने से बेहतर है कि आप 3 दिन उनको दें, बॉक्स लगाएं वैसे ही खाली हैंग करें, वो अंदर आए जाएंगे उसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये जगह सेव है, उसके बाद उसको आप नेस्टिंग जब देंगे 3 दिन के अंदर, तो वो उतनी डबल स्पीड से उसके नेस्टिंग अंदर लेके जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है कि आप अगर 3 दिन का उनको टाइम दें उसके बाद उनको नेस्टिंग दें, तो कोई इशू नहीं है अगर आप पहले ही जो है वो नेस्टिंग बॉक्स लगाते साथ भी फेंक दें। लेकिन मेरे ख्याल में ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो ये ज़्यादा मतलब कि बेहतर है कि आप 3 दिन का बर्ड्स को टाइम दें और उसके बाद जो है वो अब उनको जो है वो नेस्टिंग दें, तो वो ज़्यादा जल्दी मेरा एक्सपीरियंस है कि वो ज़्यादा जल्दी ब्रीड की तरफ आएंगे। तो ये थी जी आज की माशाल्लाह से वीडियो। एगलिंग शुरू हो चुकी है इनकी जो है वो प्रॉपर ब्रीडिंग सीज़न की प्रोग्रेस के हवाले से प्रॉपर वीडियोस भी अपलोड होती रहेंगी जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया हुआ है। तो ये थी आज की ब्रीडिंग प्रोग्रेस की पहली वीडियो, पहला अंडे आने की खुशी की। तो ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अल्लाह ताला सब भाइयों को जो है वो अच्छी ब्रीड अता करें और कुछ ना कुछ जो है वो अपने बर्ड्स का जो है वो अल्लाह ताला की राह में भी जो है वो आप लाजमी खर्च करें, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो है वो एक तो बर्ड्स को अल्लाह ना करे कुछ मसला भी नहीं होगा और दूसरा आपकी बर्ड्स में की ब्रीड में भी जो है वो काफ़ी बरकत होगी। तो माशाल्लाह से जी ये थी आज की वीडियो ब्रीडिंग प्रोग्रेस की, तो लेइंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अल्लाह ताला हम सब भाइयों को जो है वो अच्छी से अच्छी ब्रीड अता फरमाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।